नमस्कार, मैं हूं पवन गुप्ता। बढ़ते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 प्रत्याशियों की लिस्ट। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर अदालत ने किया चार्ज फ्रेम। 10 साल पहले पीएम मोदी के खिलाफ दिए थे विवादित बयान से है जुड़ा मामला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। सासाराम में CPIML न्यू डेमोक्रेसी से जुड़े लोगों ने मनाई कॉमरेड सत्य नारायण सिंह की 40वीं बरसी। कम्युनिस्ट आंदोलन को स्थापित करने में निभाई थी अहम भूमिका। सहरसा में DM ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर अधिकारियों के दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में भड़काऊ पोस्ट को लेकर हुआ बवाल, महिलाओं ने प्रशासन से की अपील, निर्दोष लोगों पर ना हो कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में DM ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, धान आदि प्राप्ति को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुजफ्फरपुर में टाइटल वामपंथी पार्टियों ने जमीन सर्वे को रोका। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन में से भूमाफियों का कब्जा हटाने को लेकर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय बैडमिंटन बालिका प्रतियोगिताओं का शुभारंभ, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया प्रतियोगिताओं का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में शराब पीने से 2 युवक की मौत, एक की आंखों की रोशनी गई, परिवार ने पुलिस को बिना बताए किया अंतिम संस्कार। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।